जय गो माता, जय गोपाल, गोरक्षा दल दिल्ली से रोकी राणा। आज फिर हमने जो है एक गोदाम पकड़ा है भाई। इस गोदाम में गाय काटते थे, आपको दिखाता हूँ, देखिए। ये देखिए, लॉक कर दिया है पुलिस ने। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि रात को जो खबर मिली है वो ये है कि यहाँ पर जो है फैक्ट्री चल रही थी और इसके अंदर गौ हत्या का काला कारोबार चल रहा था। अगर हमें पता चल जाता तो महादेव की सौगंध, ना धरती ना पताल, बीच में टांग देते। गौरक्षा के नाम पर जो दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो बार बार हमारे आस्था के साथ, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ऐसे जिहादी मानसिकता वालों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन, ऐसी डिमांड बजरंग दल उत्तम जिला चाहता है। हमारी आज की जो खबर है वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई है। जिस देश में हर हिंदू के घर में गौ माता की पूजा होती है, जहाँ कहा जाता है कि गौ माता में, उसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, उस देश की राजधानी में कैसे चंद पैसों के लिए गौ हत्या का काला खेल चल रहा है, इसका भंडाफोड़ हुआ है रात 3 बजे। और यहाँ पर ये फैक्ट्री आप मेरे पीछे देखेंगे, ये एक गोदाम है। यहाँ पर गौ हत्या का काला खेल चल रहा था जिसका भंडाफोड़ रात एक गौरक्षक ने किया है। और आज सुबह सुबह देखिए कितने सारे गौरक्षक, कितने सारे बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं हिंदुओं से जागने का। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीपक शुक्ला है। बजरंग दल जी, क्या था पूरा मामला और क्यों आज आप इतना इकट्ठा हुए हैं यहाँ? जी, हमें सुबह 5 बजे सूचना मिली कि इस गोडाउन में गोकसी हुई है, तो उसके लिए हम आए। ये कि पुलिस आई थी, सारी प्रशासन जो है कटे हुए अवशेष ऑलरेडी पुलिस ने बैन में भर के यहाँ से ले गई और उसके बाद उनके अतरी वतरी सब जो है यहाँ ले गए और साफ सफाई की। उसके बाद हम चाह रहे थे, प्रशासन हमें बोली थी हम कार्रवाई करेंगे, कर रहे हैं। हिंदू समाज में ये मैसेज गया और सारे हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता और हिंदू समाज के लोग यहाँ आए। 2 घंटे तक थे यहाँ, कुछ नहीं, फिर हमने जाम किया। पुलिस प्रशासन आके हमें ही धमकाने की कोशिश की कि हम बंद करो, इनको लो लाठी चार्ज करो, ये करो। लेकिन कोई भी हिंदू समाज या बजरंग दल के कार्यकर्ता इससे नहीं डरते और इसलिए बैठे हैं कि इस पर सख्त सख्त कार्रवाई हो। और इस उत्तम नगर जिले के अंदर हमने DCP SCP सबको हमने दे दिया है ज्ञापन, जब हमारा त्यौहार आता है, जब छठ पूजा आती है, दिवाली आती है या कोई भी कार्यक्रम होता है, ऐसे अराजकता होती है। और ये तो गोदाउन बंद है, इसका अभी तक ना तो मालिक आया। हम कह रहे हैं कसी वाले भाग गए, लेकिन इसका जो मालिक है उसका तो पता होगा, प्रशासन उसको तो तुरंत पकड़ के ला सकती थी, उसको पकड़ के कार्रवाई करे। और इसीलिए हम बैठे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे जो जघन्य अपराध होते हैं और हमारे आपके बीच में होते हैं, पता नहीं लगती है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और प्रशासन अपना कार्य करे, इसलिए हम बैठे हैं इसके लिए। आपका नाम सर? दयानंद। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कब से ये फैक्ट्री चल रही होगी और जो है कितना बड़ा खेल यहाँ चल रहा था गौ हत्या का? देखिए, जानकारी आ रही है कि पिछले 6 महीने से ये जो गोदाम है इसको किराए पे दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए के प्रति माह के हिसाब से, और हर दूसरे दिन यहाँ गौकसी का कार्य हो रहा है। जैसे कि जानकारी मिल रही, रात्रि को 3:30 बजे भी ऐसी जानकारी मिली और यहाँ पे कार्यकर्ता बंधु आए, कार्यकर्ताओं में बड़ा नाराज़गी भी है, उन्होंने सड़कें भी जाम किया, प्रशासन उन साथ देने के बजाय प्रशासन उन्हीं को धमकाने का प्रयास कर रहा था। अब जैसा मेरे भाई ने बताया कि ये बिल्कुल स्वाभाविक सा हो गया है। मैं इस क्षेत्र का जिला संयोजक होने के नाते मेरे जो भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे 5 थाने आते हैं, 5ों थानों में ये बार बार ऐसी गतिविधियां होती हैं और ख़ास तौर से तब होती हैं जब हमारे फेस्टिवल होते हैं। अभी भी हिंदू समाज का फेस्टिवल चल रहा है और इस प्रकार की घटना हमारे सामने हर दूसरे दिन नज़र आती है। तो हमारी प्रशासन से यही डिमांड है, यही मांग है कि प्रशासन इस पर हमें हर बार आश्वस्त करता है कि भैया कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, पर होता कुछ नहीं है, धाक के 3 पात वाली कहानी है। हम चाहते हैं प्रशासन इस पर अपना रुख साफ करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो भी लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जो भी सनातन, ये राम की भूमि है, ये भारतवर्ष राम की भूमि है, गौ हमारी माता है, गौ के अंदर 33 कोटि के देवी देवताओं का वास है, हमारे लिए आस्था का विषय है गौ, कोई ऐसा नहीं है। जो बार बार हमारे आस्था के साथ, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ऐसे जिहादी मानसिकता वालों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन, ऐसी डिमांड बजरंग दल उत्तम जिला चाहता है।
चाहिए, एफआईआर हुई है इस पे कोई? जी मेरी बात हुई है एसएचओ साहब से भी, एसीबी साहब से भी और डीसीबी साहब से भी। उन्होंने कहा भाई कार्रवाई हो रही है और रेड भी डाले जा रहे हैं। अब वो कार्रवाई का अंजाम कहाँ तक आ रहा है ये, इस बात के लिए हम नाराज हैं और इस बात के लिए हम प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हमारा यही कहना है कि आपने जो आप जो कार्रवाई कर, हम प्रश्नचिन्ह नहीं उठा रहे प्रशासन पर, प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, वो अच्छे तरीके से कर रहा है, पर रिजल्ट तो दिखे तो सही, कोई पकड़ा जाए, कोई व्यक्ति पकड़ा जाए जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम करा, ऐसा कोई दिखे तो सही, ऐसा कोई ग्रुप पकड़ा जाए, क्योंकि ये कोई साधारण घटना नहीं है और ये ऐसी घटना नहीं है कि हम इसे अवॉइड करते। हमारी यही डिमांड है प्रशासन से कि उस बंदे को, उस व्यक्ति को पकड़ के लाए जो इस प्रकार के बड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मनी है। क्या कहेंगे, कब से ये चल रहा था यहाँ पर और क्या मांग कर रहे हैं? ये आपको एक जानकारी मैं दे दूँ, हमारे दायित्ववान व्यक्ति ने, हमारे कार्यकर्ता बंधु ने बोल दी है सारी बातें, उन्होंने बोल ही दी है, बस उनमें जोड़ते हुए एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले 2 साल से लगातार ये उत्तम जिला बजरंग दल के क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्र में आता है। इसमें हर त्योहारों पर, हिंदू त्योहारों पर, महापर्वों पर गाय कटने की घटनाओं की सूचना समय समय पर मिलती जा रही है। हमने लगातार प्रशासन लोकल थानों में इनकी FIR करवाई है, इनकी सूचना लोकल थाने के साथ साथ ACP साहब को, DCP साहब को लगातार इस बारे में जानकारी दी है। लास्ट टाइम हम एक हमारा डेलीगेट था जिसमें प्रांत के जगजीत सिंह गोल्डी जी भी थे, वो लोग जाके, हम लोग जाके DCP को अवगत करा के आए थे कि एक असामाजिक तत्व हैं ऐसे जो क्षेत्र में माहौल खराब करने का कार्य कर रहे हैं, लगातार हिंदू संगठनों को, हिंदू युवाओं को चुनौती दे रहे हैं, उकसाने का कार्य कर रहे हैं, आप इन पर लगाम लगाएं, नहीं तो ये नौजवान हिंदू युवा हैं, अगर इन्होंने जवाब देना स्टार्ट कर दिया तो फिर नहीं रोक पाओगे। तो उनके आज 1.5 साल हो गया, सावन माह में हमने लेटर दिया था, उसके बाद भी 3 घटनाएं गौकशी की कट गई हैं और इससे लेके प्रशासन के लिए सब कार्यकर्ताओं में नाखुश है, ये संतुष्ट नहीं है प्रशासन की कार्रवाई से। DCP साहब इसका जवाब दें कि वह क्यों नहीं अभी तक इस एप्लीकेशन को गंभीरता से लिया, जब हमने जानकारी दी तो क्यों नहीं स्पष्टता से उस पर कार्रवाई करी, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम बैठे, जब तक हमारे अधिकारी नहीं कहेंगे उठने के लिए, जब तक हम यहीं बैठे। ये जो फैक्ट्री है इसका कैसे खुलासा हुआ, कौन कौन लोग इसमें रात मौजूद थे? जब इसमें रात को रोकी राणा है उसके माध्यम से उसको सूचना प्राप्त थी, वो यहाँ पहुँचे, कुछ हमारे कार्यकर्ता थे, वो सब साथ में लगे, सुबह सूचना हमें मिली और देखते ही देखते पूरे समाज में इस विषय की जानकारी अब पहुँच चुकी है। हम प्रशासन को बार बार कह रहे हैं कि आप समय रहते उन्हें पकड़ लीजिए, ये युवा वर्ग खड़ा है, ये इनकी गौ माता का विषय है, हमारी गौ माता का विषय, हमारी आस्था का विषय है, ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। आपसे अपील है, आपसे आग्रह है, आप उन्हें गिरफ्तार करके बंद कीजिए, तभी ये युवा वर्ग यहाँ से जाएगा, अन्यथा यहाँ से जाने वाला नहीं है। तो अभी तक जब यहाँ पहुँचे थे रात को आप लोग, तो कोई भी नहीं था यहाँ पर? जब रात को पहुँचे थे प्रशासन मौके पर था, ठीक है, उसमें से सब लोग चले गए, सबकी जानकारी है, CCTV कैमरे की फुटेज है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं लगातार दिल्ली पुलिस, एक छोटी सी चोरी होती है या कोई उनका विषय होता है तो इतने दुनिया भर के CCTV कैमरे लगा रखे हैं, तुरंत किसी को भी पकड़ लेती है, दबोच लेती है जो राष्ट्रवादी होते हैं, पर दूसरी ओर जब ऐसे असामाजिक तत्व क्षेत्र में घटना करते हैं उनको दबाने का प्रयास करती है और वो आज दिख भी रहे। आप ये समझ नहीं आता है, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे जब मौके पे SHO साहब थे, उनकी पूरी टीम थी, तो गौ वंश के कुछ पार्ट्स थे, गौ माता के हेड भी था और वो सबको सैंपल जांच वाले आए भी थे, उन्होंने भी सैंपलिंग के लिए इसको सबमिट किया और जो फर्श पे ब्लड थे उन सबको धोधा के सॉल आउट करके। क्या लगता है जो लोग ये काम कर रहे होंगे कौन थे वो लोग और क्या था? अगर हमें पता चल जाता तो महादेव की सौगंध, ना धरती ना पताल बीच में टांग देते, ठीक है ना, बजरंग दल के जीते हैं और धर्म के लिए जीते हैं, उनको जानकारी हुआ, हमें पता चल जाए तो प्रशासन से पहले हम फाड़ने की औकात रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। कब से चल रही है ये फैक्ट्री? 2 साल से चल रही है और लगातार हर दूसरे दिन यहाँ गोकसी होती है, 1.5 लाख रुपये पर महीने। अब हम जब अंदर जाके देखें तो यहाँ पर खाली टीन, तेल के टीन कस्तेन थे, उसमें कोई लेना देना नहीं था और ब्लड ही ब्लड है अंदर, आपको प्रशासन ने जाने नहीं दिया, आपने भी प्रयास किया जाने का, वो जाने नहीं दिया। इनके लीपा पोती करने के बावजूद भी वहाँ ब्लड और कई अंश दिख रहे हैं, ठीक है, प्रशासन माहौल खराब ना, इसलिए ताला बंद कर रखा है। हमारी प्रशासन से डिमांड है कि भैया वो जो भी कार्रवाई कर रहा है उसको पकड़ के ऐसी कार्रवाई को बंद किया जाए। क्या आपको लगता है कि ये सब प्रशासन संज्ञान में था? भाई अब प्रशासन के संज्ञान में था नहीं था, प्रशासन के आँख कान 24 घंटे खुले होते हैं, ठीक है, और उनका ड्यूटी ही यही है, अब उनको हर चीज की जानकारी होती है, ठीक है,
और अब मैं एलिगेट तो नहीं कर सकता उनको कि उनको जानकारी थी कि नहीं थी। आप जो बजरंग दल के लोग हैं, गौरक्षक लोग हैं, और भी लोग आ रहे हैं अभी? भाई साहब अभी शाम तक यहाँ पे जम्मू 5000 कार्यकर्ता इकट्ठे होने वाले हैं, SHO साहब को मैंने अवगत करा दिया है। पर एक बात जान लीजिए, अपना ये प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्वक है, ना हम समाज, ना सार्वजनिक, ना निजी और ना किसी प्रकार की यातायात को बाधित करने वाले हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं, हमारे हाथ में पत्थर नहीं होता जी, फूल होता है, ठीक है। पर जो अगर हमारी आस्था को बार बार ठेस पहुंचाएगा, ये सोचेगा कि ये ऐसे लोग हैं, प्रदर्शन करके चले जाएंगे तो अपनी गलत फहमी निकाल दे, जिस दिन हम तांडव मचाना शुरू कर देंगे उनको समझ में आ जाएगा कि हम क्या हैं और वो क्या है। तो देख सकते हैं ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये फैक्ट्री 2 साल से चल रही है, विनायक फैक्ट्री के ऊपर लिखा हुआ है, और लोग यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। और इनका कहना है कि अभी तो ये जो है सैकड़ों की संख्या में नज़र आ रहे हैं, अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो हज़ारों की संख्या में यहाँ बजरंग दल के नेता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, गौरक्षक नज़र आएंगे। आप भी यहीं इसी से हैं, क्या नाम है आपका? हरिंदर राय। क्या कहेंगे, ये जो गौहत्या खेल चल रहा था, कब से चल रहा था? ये सब पुलिस वाले के मिली भगत है, इस पर पुलिस वाला अपना कार्रवाई करे, न तो हम लोग अपना इसको तोड़ फाड़ के हटा देंगे। जल्द से जल्द जो भी जितना भी जल्दी हो सके इसको तोड़ा जाए, खोला जाए, इसको देखा तो जाए। देख सकते हैं कि लॉक पुलिस ने कर दिया और पुलिस बल खुद यहाँ तैनात है और खुद यहाँ पुलिस वाले मौजूद है। और पुलिस वालों का कैमरा दिखाएं, कैमरामैन, ये देखिए पुलिस बल यहाँ तैनात है और लॉक कर दिया है। मीडिया को ना इजाज़त दी जा रही है, ना किसी कार्यकर्ता को, ना किसी और शख्स को इजाज़त दी जा रही है अंदर जाने की। और ये बजरंग दल के लोग हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है आरोपियों को पकड़ा जाए और कार्रवाई की जाए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सतप्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।